दोस्तों के साथ मैगी की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे खा के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और बार बार इसी ट्रिक से आप इस रेसिपी को बनाओगे। एकदम न्यू रेसिपी है दोस्तों, ये मैगी बालूशाही रेसिपी है विदाउट शुगर, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको अच्छी लग जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम ये रेसिपी फटाफट से बनाते हैं। दोस्तों आज मैं मैगी की एकदम न्यू चटकेदार रेसिपी लेके आई हूँ, आपने ये पहले कभी नहीं खाई होगी और बहुत ही डिफरेंट और अलग है। इसका डो का फ्लेवर जो है इतना ज़बरदस्त है, बात बन जाएगी दोस्तों, हर स्नैक से अलग है। तो चलिए पहले हम मैगी का डो लगा लेते हैं। फ्लेवर के लिए दोस्तों अजवाइन है, अजवाइन डाल देते हैं, हाथों से रगड़ कर डाला है, थोड़ा सा मंगरेल डाल देते हैं, और इसमें आप कसूरी मेथी डाल देते हैं, अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देते हैं दोस्तों, साथ इसमें दरदरा कुटा हुआ ब्लैक पेपर डाल देंगे, टेस्ट अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे जैसा आपको स्वादिष्ट पसंद है। आप इसको खस्ता करने के लिए हम इसमें घी डाल देंगे दोस्तों, जिससे ये बहुत ही खस्ता हो जाएगा नाश्ता। तो अब हम इसमें मैगी डाल देंगे, पानी डाल देंगे और मैगी का मसाला डाल देंगे। अब दोस्तों हम मैगी को अच्छे से पका लेते हैं। तो अब हमारा जो डो है वो भी रेडी हो गया होगा, देखिए रेडी हो गया है। अब इसकी हम लोई काट लेते हैं, तो लोई हमने काट ली है दोस्तों। अब हम इसको बेल लेते हैं, अगर गोल गोल आपका ना बेलाए तो आप कटोरी से भी इसको गोल गोल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ऐसे करके रोटी हमने लंबा बेल लिया है क्योंकि इसको रोल करना है, और मैगी को हमने डाल दिया है। मैगी देखिए एकदम चिपचिपी नहीं है, बहुत ही अच्छी खिली खिली मैगी है, एकदम खिली खिली बनी है, चिपचिपा मैगी नहीं है। तो इसमें उतना ही डालिएगा, स्टफिंग कीजिएगा जो छानते वक्त और रोल करते वक्त मतलब दोनों उंगली इसमें गैपिंग मिलना नहीं चाहिए, ऐसे करके डालेंगे और इसको यहाँ से लॉक करेंगे, पानी ले लीजिएगा फिर और यहाँ पे हल्का सा लगा लीजिएगा दोनों में और फिर ऐसे करके चिपका दीजिए। तो देखिए इस साइड से बढ़िया से लॉक हो गया है, डिजाइन बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा पानी और थोड़ा लगा लीजिएगा और इसको ये सेंटर है ना हमारा, सेंटर को कैसे पानी लगा के प्रेस कर लीजिएगा, मस्त सा डिजाइन बन जाएगा आपका। एकदम तो ये लीजिए दोस्तों कितना बढ़िया सी डिजाइन बन गई है, एकदम खास्ता खास्ता करके हमारी ये रेसिपी बनेगी, एकदम न्यू रेसिपी है मैगी की दोस्तों। बस हमने डाल दिया था दोस्तों, पहले हाई फ्लेम पे गर्म किया, उसके बाद हमने एकदम लो टू मीडियम कर दिया है ताकि ये जो हमारी रेसिपी है अंदर तक पक जाए, क्योंकि मैदा है दोस्तों, एकदम खास्ता और क्रिस्पी बन जाएगा पकाइए। तो ये लीजिए दोस्तों आपकी मैगी की न्यू रेसिपी, मैगी बालूशाही बनके रेडी हो गई है, वो भी बिना शुगर के। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा लगेगा, एकदम यूनिक रेसिपी है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी और खास्ता रेसिपी है दोस्तों, आप सभी को बहुत पसंद आएगा, आपके पूरे परिवार के बहुत चाव के साथ खाएंगे। तो अगर ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको अच्छी लग जाए तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जब तक ऐसी प्यारी रेसिपी सब दूसरी तब तक आप सीख रही है।
आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये रेसिपी खा के अपने प्यारे को याद करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।